जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, कलयुग में नाम की विशेषता। राजन, दोषों के भंडार कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस समय श्री कृष्ण का कीर्तन मात्र करने से मनुष्य की सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। कलिर दोष निधि राजन अस्थि एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजेत। सतयुग में भक्ति भाव से सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी श्री हरि की आराधना करके मनुष्य जिस फल को पाता है, वह सारा का सारा कलयुग में भगवान गोविंद का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। सतयुग में भगवान का ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में उनका पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे वह कलयुग में केशव का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले को, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन करने वाले को, द्वापर में श्री हरि की परिचर्या में तत्पर रहने वाले को जो फल मिलता है, वही कलयुग में श्री हरि का कीर्तन मात्र करने से प्राप्त हो जाता है। श्री हरि का नाम ही नाम ही नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में इसके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। नरेश्वर मनुष्यों में वे ही सौभाग्यशाली तथा निश्चय ही कृतार्थ हैं जो कलयुग में हरि नाम का स्वयं स्मरण करते हैं और दूसरों को भी स्मरण कराते हैं। तीखी दाढ़ वाले कलिकाल रूपी दुष्ट सर्प का भय अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि गोविंद नाम के दावा नल से दग्ध होकर वह शीघ्र ही राख का ढेर बन जाएगा। घोर कलयुग में जो मनुष्य हरि नाम की शरण ले चुके हैं, वे ही कृत कृत्य हैं, कलि उन्हें बाधा नहीं देता। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन में इस प्रकार जो नित्य उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग कष्ट नहीं देता। नरश्रेष्ठ, जो लोग दिन रात जगदाधार वासुदेव का कीर्तन करते हैं, उन्हें कलयुग नहीं सताता। भगवान कहते हैं, जो कलयुग में मेरा कीर्तन करते हैं, वे धन्य हैं, वे कृतार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य कर्म किया है तथा उन्होंने ही जन्म और जीवन का पाने योग्य फल पाया है। जो कलयुग में अपुण्यात्माओं के लिए दुर्लभ इस हरि नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेते हैं, वे कृतार्थ हैं, इसमें संशय नहीं है। नाम से सर्व पाप नाश होता है। जो लोग प्रज्वलित पाप अग्नि से भय न करें, लोग प्रज्वलित पाप अग्नि से भय न करें, क्योंकि वह गोविंद नाम रूपी मेघ समूहों के जल बिंदुओं से नष्ट हो जाती हैं। विवश होकर भी भगवान के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त पातकों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़िए अपने शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। हे मैत्रे, भक्ति पूर्वक किया गया भगवान नाम कीर्तन उसी प्रकार समस्त पापों को विलीन कर देने वाला सर्वोत्तम साधन है, जैसे धातुओं कि सारे मैल को जला डालने के लिए आग। मनुष्य सायं और प्रातःकाल देवाधिदेव श्री हरि का कीर्तन करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। इस पृथ्वी पर नारायण नामक एक नर प्रसिद्ध चोर बताया गया है, जिसका नाम एवं यश कर्ण कुहरों में प्रवेश करते ही मनुष्य के अनेक जन्मों की कमाई हुई समस्त पाप राशि को हर लेता है। मनुष्य भक्ति भाव से या भक्ति रहित होकर यदि गोविंद नाम का उच्चारण कर ले, तो वह नाम संपूर्ण पापों को उसी प्रकार दग्ध कर देता है जैसे युगांत काल में प्रज्वलित हुई प्रलय अग्नि सारे जगत को जला डालती है। भूतल पर कोई भी मनुष्य गोविंद नाम से प्रसिद्ध होता है,
उसके भी उस नाम का कीर्तन करने से ही पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जैसे असावधानी से भी छू ली गई आग की कणिका उस अंग को जला डालती है, उसी प्रकार यदि हरि नाम का ओष्ठ पुट से स्पर्श हो जाए तो वह पाप को जलाकर भस्म कर देता है। जैसे अनिच्छा से भी स्पर्श कर लेने पर आग शरीर को जला देती है, उसी प्रकार किसी बहाने से भी लिया गया गोविंद का नाम पाप को जला देता है। ममता से व्याकुल चित्त हुए विषयांध मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला एकमात्र हरि नाम ही है, एकमात्र हरि नाम ही है। संकेत से, परिहास से, स्तोभ या अनादर पूर्वक भी किया हुआ भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन संपूर्ण पापों का नाशक है, ऐसा महात्मा लोग जानते हैं। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार जाने अनजाने लिया गया भगवान पुण्य श्लोक का नाम पुरुष की पाप राशि को भस्म कर देता है। श्री हरि के इस नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है उतना पातक पात के मनुष्य अपने जीवन में कर ही नहीं सकता। भगवान विष्णु के नाम में पाप क्षय करने की जितनी शक्ति विद्यमान है माप तोल में उतने पाप कूकर भोजी चांडाल भी नहीं कर सकता। अच्युत अनंत गोविंद इन नामों के उच्चारण रूपी औषध से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, यह मैं सत्य कहता हूँ। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण आधियाँ मानसिक चिंताएँ और व्याधियाँ तत्काल नष्ट हो जाती हैं उन भगवान अनंत को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री हरि के नाम का बारंबार कीर्तन समस्त रोगों को शांत करने वाला है, सारे उपद्रवों का नाशक और संपूर्ण अरिष्टों को शांति करने वाला है। जिनकी महिमा सर्वत्र प्रसिद्ध है उन भगवान अनंत का जब कीर्तन किया जाता है तब वे उन कीर्तन परायण भक्त जनों के चित्त में प्रविष्ट हो उनके सारे संकट को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को। पीड़ित विषादग्रस्त शिथिल भयभीत तथा भयानक रोगों में पड़े हुए मनुष्य भी एकमात्र नारायण नाम का कीर्तन करके समस्त दुखों से छूटकर सुखी हो जाते हैं। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए तीर्थपाद भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन ऐसा नहीं है जो कर्म बंधन की जड़ काट सके, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर सकाम कर्मों में आसक्त नहीं होता। भगवान नाम के अतिरिक्त दूसरे किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा उसके पापों का भी पूर्णतः नाश नहीं हो पाता। मरणोन्मुख रोगी तथा गिरता या किसी का स्मरण करता हुआ मनुष्य विवश होकर भी जिन भगवान के नाम का उच्चारण करके कर्मों की सांकल से छुटकारा पा उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है उन्हीं भगवान का कलयुग के मनुष्य पूजन नहीं करेंगे, कितने कष्ट की बात है। जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए कमर कस ली है। जो आलस्य छोड़कर एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। भगवान के नाम का जिस किसी तरह भी उच्चारण या श्रवण कर लेने पर भी पापी विशुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। घोर संसार बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य विवश होकर भी यदि भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह तत्काल उस बंधन से मुक्त हो जाता है और उस पद को प्राप्त होता है जिससे भय स्वयं भय मानता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सत्य।